हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मैं ये जिनिया के पौधे के बारे में बताना चाहती हूँ। ये मेरे जूही के प्लांट है, इसमें मैं बहुत सारी सीड्स डाली थी जिनिया की, तो इससे थोड़ी बड़ी बड़ी हो गई थी तो मैं इसमें लगा दी हूँ। ये देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं, इनमें कलियाँ भी आने लगी है, ये देखिए। तो और कुछ प्लांट है जो छोटी छोटी है, ये देखिए, इनमें गर्मियों में बहुत अच्छे फूल होते हैं, तो इनको मैं आज रिपोर्ट करूँगी। देखिए, मैं छोटे छोटे ग्लास लिए हैं, इनमें हॉल बनाई है। देखिए, ये रेड मैंने गर्म करके हॉल बनाई है, और आप इस पे ऐसे हॉल को बंद करें ताकि हमारा ड्रेनेज हॉल बंद ना हो। ये देखिए, इस तरह से आप कंकड़ या पत्थर कुछ भी डालें, ऐसे डाल दिए। फिर हम इस पे इसमें कंपोस्ट, मिट्टी और रेत तीनों मिक्स है, इनमें हम मिट्टी डाल देंगे। हमने इसमें मिट्टी डाल दी है, हर ग्लास में मिट्टी डालेंगे। फ्रेंड्स देखिए, हमने डाल दिए हैं, ये देखिए। अब हम इन छोटे पौधों को निकालेंगे, बिल्कुल आराम से आप निकालें, इनकी रूट डैमेज ना हो। नहीं निकल रहे, बहुत अंदर तक चले गए हैं, अब निकल जाएंगे। ये देखिए, देखिए इनकी रूट कितनी अच्छी आई है, देख रहे फ्रेंड्स। देखिए, ये जीनिया के पौधे हैं, गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। हम इस तरह से ऐसे रख देंगे, और हम फिर इसमें मिट्टी डाल देंगे आराम से। फ्रेंड्स, ये और थोड़ी बड़ी हो जाएंगे तो हम इन्हें बड़े पॉट में शिफ्ट कर देंगे, और इसमें हम पानी दे देंगे और सनलाइट में रखेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये लग गए हैं। अब हम और एक लगा देते हैं इसी तरह से, ये देखिए। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी रूट आई हुई है। इसी तरह से हम रख देते हैं, फिर हम इस पे मिट्टी डालेंगे। फ्रेंड्स, आप मिट्टी पूरा बेलडन बनाएं ताकि हमारी रूट अच्छी से फैल सके। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने लगा दिए, अब इसमें भी हम लगाएंगे। ये देखिए, ये बहुत छोटे हैं, फिर भी मैं निकाल कर लगा दूंगी। फ्रेंड्स देखिए, हमने निकाल लिए। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें। और फ्रेंड्स, ये हमने जब बीज लगाए थे तो बीज लगाने के बाद पहली जो पत्तियां होती है ये होती हैं, तो इन्हें हम कट करके निकाल देंगे, क्योंकि बीज वाली जो पत्तियां होती है वो हमारा सारे मतलब ज़्यादा एनर्जी ये ले लेंगे, तो इनसे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम इन्हें कट कर देते हैं तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होंगे। इनको भी मैं उसी तरह से करूँगी। फ्रेंड्स, ये पौधे लगाने के बाद आप इनमें पानी दे दें, और फिर जब और थोड़ी बड़ी हो जाए तो बड़ी बड़ी पॉट में शिफ्ट कर दें। फ्रेंड्स, ये हमारे रेडी हो चुके हैं, देखिए।
बिल्कुल इसी तरह से मैंने ये पॉट में इतने सारे पौधे लगाए, 12 पौधे हैं इसमें। आप देखिए कितने हेल्दी हैं, देखिए कितने हेल्दी हैं इसमें। देखिए हर किसी में, हर 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 प्लांट में देखिए बर्ड आ चुकी है, कलियां आ चुकी हैं। देखिए अब कुछ दिन में फूल भी आ जाएंगे, पर मुझे पता नहीं है इनमें कौन कलर आएंगे। इनमें टिकोमा के भी प्लांट लगी हुई है, मैंने एक ही पॉट में इतने सारे प्लांट लगा दी हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।